हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो आइए देखते हैं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जनरली टू टाइप्स के होते हैं, मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक सिस्टम के अंदर के यूनिट को। तो मैट्रिक सिस्टम में होता है कि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल्स टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल्स टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो आइए इसी प्रकार देखते हैं हम ब्रिटिश सिस्टम के यूनिट को। 2.54 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 इंच, 12 इंचेज इक्वल्स टू 1 फुट, 3 फीट इक्वल्स टू 1 यार्ड, 220 यार्ड इक्वल्स टू 1 फरलोंग, 8 फरलोंग इक्वल्स टू 1 मील। तो ये हो गया ब्रिटिश सिस्टम और उसके अंडर के यूनिट, और ये हो गया मैट्रिक सिस्टम और इसके अंडर के यूनिट। मैट्रिक सिस्टम के अंडर के यूनिट को पहचानने का एक नियम है, अगर किसी यूनिट के लास्ट में मीटर लगा हो तो वो सारे यूनिट जो है मैट्रिक सिस्टम के अंडर में आएगा, अदरवाइज ब्रिटिश सिस्टम होगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है मेरा, कन्वर्ट 6 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ मार्केबल पॉइंट क्या है कि 6 किलोमीटर को कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 6 किलोमीटर का हमको बोला गया है, तो यहाँ पे अगर हम 1 किलोमीटर का निकाल लें कि कितना सेंटीमीटर होता है 1 किलोमीटर में, तो 6 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा तो पता चल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले निकालते हैं 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर के लिए तो 1 किलोमीटर में होता है 10 हेक्टोमीटर, अगर 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये किलोमीटर मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्टोमीटर में। फर्दर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 10 डेकामीटर, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डेकामीटर में, डेकामीटर में। फर्दर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। फर्दर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा डेसीमीटर में। फर्दर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हमको चाहिए किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये मेरा सेंटीमीटर में आ गया। तो 1 × 10^5 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1 × 10^5 सेंटीमीटर, तो इसीलिए 6 किलोमीटर में तो हो जाएगा 6 × 10^5 सेंटीमीटर।
ये क्वेश्चन तो मेरा मैट्रिक सिस्टम के अंडर पे था। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम ब्रिटिश सिस्टम के। तो क्वेश्चन है मेरा कन्वर्ट 6 yards इंटू इंचेज में। तो हमको यहाँ मार्केबल पॉइंट यह है कि हमको यार्ड को कन्वर्ट करना है इंचेज में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 yard का निकाल लेंगे, 1 yard में कितना इंचेज होता है, तो 6 yard में कितना इंचेज होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो यार्ड को कन्वर्ट करना है इंचेज में। तो आइए सबसे पहले 1 yard के लिए निकालते हैं। तो 1 yard के लिए, तो 1 में अगर हम 1 yard इक्वल टू होता है 3 feet, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा यार्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फीट में। और फर्दर हम अगर 1 feet इक्वल टू होता है, फुट इक्वल टू होता है 12 inches, अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा इंचेज में। तो हमको चाहिए किसमें था, इंचेज में। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 36 inches। तो दैट इज 1 yard में 36 inches, तो देयरफॉर 6 yard में 6 into 36, तो ये हो जाएगा 216 inches। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।